गया बिहार राज्य का सबसे सिंबॉलिक शहर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 111 मीटर है। यहाँ पर मगधी, अंग्रेजी और हिंदी भाषाएं बोली जाती है। गया जिला इतिहास और संस्कृति के मामले में बिहार के दूसरे जिलों से काफी ज्यादा अलग है। बौद्ध धर्म के जन्म स्थान से लेकर हिंदू धर्म और जैन धर्म के साथ गहरा संबंध साझा करने तक गया ने न सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे भारत की धार्मिक और संस्कृति पहचान को आकार देने में मदद की है। ये शहर भागलपुर से लगभग 230 किलोमीटर और पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण में फल्गु नदी के किनारे पर मौजूद है। भारत के महान महाकाव्य महाभारत और रामायण में उल्लेख मिलने से लेकर कई महान साम्राज्यों के उत्थान और पतन तक की कहानी को गया जिले ने देखा है। भारत के महान प्राचीन साम्राज्य शिशुनाग वंश, मगध साम्राज्य, पाल साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य ने गया को हजारों वर्षों तक अपना गढ़ बनाया था। उसके बाद मध्यकाल के दौरान मुस्लिम राजवंशों समेत कई राजवंशों ने गया पर शासन किया। उसमें स्पष्ट रूप से मुगल सबसे प्रभावित है। दोस्तों, गया के इतिहास के बारे में कोई भी चर्चा गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के बारे में बात किए बिना अधूरी होगी। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध प्राचीन भारत के दो सबसे बड़े दार्शनिक रहे थे। जब मगध साम्राज्य के राजा बिभीषार गया क्षेत्र के राजा थे, तब दोनों ने कई महत्वपूर्ण धार्मिक प्रथाओं का प्रदर्शन किया और महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। गया वास्तव में बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है, जो आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। गौतम बुद्ध ने गया में ही आत्मिक ज्ञान हासिल किया था और उसके बाद ही बौद्ध धर्म का जन्म और विस्तार हुआ था। भौगोलिक रूप से गया शहर लगभग 50.17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। जिले के ग्रामीण और शहरी इलाके को मिलाया जाए तो कुल क्षेत्रफल 4,976 वर्ग किलोमीटर है। ये पूर्व में नवादा जिले, पश्चिम में औरंगाबाद जिले, उत्तर में खानाबाद जिला और दक्षिण में झारखंड के चतरा जिला से घिरा हुआ है। फल्गु नदी जिले के प्रमुख नदी है। जहाँ तक खनिजों की बात करें तो यहाँ पाए जाने वाले खनिज पत्थर देश के विभिन्न हिस्सों में निर्माण कार्यों, सड़कों में उपयोग किया जाता है। गया जिले में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण आइटम है। गया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। आधी से अधिक आबादी का रोजगार और आजीविका अकेले खेती पर टिकी है, जबकि शेष आबादी अपने जीविका के लिए छोटे बड़े इंडस्ट्रीज और सिविल सेक्टर पर निर्भर है। लघु और मध्यम औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से कृषि और कपड़ा उद्योगों पर टिका है। लेदर और केमिकल इंडस्ट्रीज भी गया में लोगों को रोजगार देती है। जहाँ तक सिविल सेक्टर की बात करें तो ये पूरी तरह से बैंकिंग और अन्य रेगुलेटेड रिटेल पर टिका है। गया का रेलवे स्टेशन इस शहर के लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य जरिया है। जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन है और गया को भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता है। इसके अलावा गया में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो बोध गया मंदिर से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। गया में ऑटो रिक्शा गया का सबसे लोकप्रिय ट्रांसपोर्ट है। धार्मिक स्थलों की बात करें तो गया एक कमाल की जगह है। हमारे देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मंदिर और पवित्र स्थल बोध गया में मौजूद है, जो गया से बहुत दूर नहीं है। और उनमें से सबसे प्रमुख और पवित्र जगह महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष है। बौद्ध धर्म का जन्म स्थान और वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की अभूति हुई, बोध गया में ही मौजूद है। बात करते हैं गया में टूरिस्ट प्लेस के बारे में। पहला है विष्णुपद मंदिर। ये मंदिर बौद्धों के साथ साथ हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने लगभग 6 वर्षों तक इस मंदिर में ध्यान किया था। गया एक ऐसा स्थान है जहाँ हजारों वर्षों से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म विकसित हुई है।